एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लब में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम 1.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स का ऑपरेशन हमें देखना है। तो क्या ऑपरेशन है, देखिए भाई, ऐड भी देखेंगे, सब्ट्रैक्ट भी देखेंगे, मल्टीप्लाई भी देखेंगे एंड डिवाइड भी देखेंगे। यानी कि इसमें जो है हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि कैसे आप करोगे। देखिए क्या करना है, ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। देखिए इसमें क्या है कि अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस है तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐड 2√2 एंड प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, तो एंड यानी कि इसको प्लस करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 2√2 प्लस 5√3 एंड की जगह में हम प्लस का साइन कर देंगे, और उसके बाद √2 है तो √2 कर लेंगे, माइनस है 3√3 है तो ये कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, ये 2√2 है, क्या यहाँ पास √2 है कोई, ये देखो ये इसके इसके साथ जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो 2√2 है ये ओनली √2 है, तो यहाँ पास 3√3 जो है ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है प्लस का 5√3 है, ये 3√3 माइनस का है। तो देखो प्लस का जो नंबर है वो बड़ा है, तो इसलिए साइन जो होगा इसी का साइन होगा, प्लस हो जाएगा, और 5 में 3 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2√ यहाँ पास 3 हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से 3 बन गया था, बल्कि यहाँ पास 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब देखिए कुछ अब इसमें नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे एंड प्लस होगा तो प्लस कर लोगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का भी हम ऑपरेशन देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5 है, यानी कि 6√5 को मल्टीप्लाई √5 में करना है। तो क्या करोगे आप, 6√5 मल्टीप्लाई 2√5, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे, तो 6 2 जगह क्या हो जाएगा 12, और √5 है तो √5 ही रहेगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। डिवाइड भी हम करके चेक कर लेते हैं कि डिवाइड में कैसे आएगा। देखो डिवाइड क्या है कि 8√15 का डिवाइड 2√3 से करना है। तो देखो 2 4 8 ये कट जाएगा, और √3 से √15 जो है 5 टाइम्स में ही कट जाएगा। तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा तो √5 4, यानी कि 4√5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं कुछ रैशनल एंड इरेशनल के कुछ पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम रैशनल प्लस इरेशनल करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा, अगर हमारा रैशनल से माइनस करते हैं इरेशनल को तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, अगर इरेशनल से रैशनल को माइनस करते हैं तब भी हमारा क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि 2 प्लस √3 है, तो हमारा आंसर हमेशा 2 प्लस √3 यही आएगा, ठीक है, इरेशनल ही आएगा। और अगर हम 2 माइनस √3 कर लें तो तब भी हमारा क्या आएगा, 2 माइनस √3 ही आएगा, ठीक है। यानी कि रैशनल से अगर हम इरेशनल को प्लस करते हैं तो इरेशनल आएगा, रैशनल से इरेशनल माइनस करते हैं तो इरेशनल आएगा, इरेशनल से कोई रैशनल माइनस करते हैं तो भी इरेशनल ही आएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि द प्रोडक्ट और क्वोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर हम रैशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल में करते हैं तब भी हमारा इरेशनल ही आएगा, और अगर रैशनल में अगर हम इरेशनल का डिवाइड करते हैं तब भी हमारा इरेशनल आएगा, और अगर हम इरेशनल में रैशनल का डिवाइड करते हैं तब भी हमारा आंसर इरेशनल ही आएगा। देखिए इसको भी समझ लेते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। मान लीजिए कि यहाँ पास 2 × √3 है तो हमारा आंसर 2√3 ही होगा, ठीक है। और अगर हमारा इसको हम ऐसे 2√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है, इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल दस रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल। इसका मतलब ये है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें इरेशनल टू इरेशनल से, तो वह तो आंसर जो होगा वो या तो रैशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है। देखिए एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझ लेते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, इरेशनल अगर इरेशनल का मल्टीप्लाई अगर हम इरेशनल में करते हैं तो आंसर रैशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है।
और अगर हम इरेशनल से इरेशनल को प्लस करते हैं तब भी हमारा रैशनल या तो इरेशनल हो सकता है, अगर हम इरेशनल से इरेशनल को माइनस करते हैं तब भी हमारा रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, अगर हम इरेशनल का डिवाइड जो है अगर इरेशनल का डिवाइड इरेशनल में करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आ सकता है, रैशनल या तो इरेशनल। एग्जांपल्स की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि अगर हम रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू में अगर कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा तो वह टू आएगा, यानी कि इरेशनल इरेशनल आ गया टू, यानी कि रैशनल आ गया। और अगर हमारा रूट टू का मल्टीप्लाई रूट थ्री में आ गया तो क्या आ जाएगा, रूट सिक्स आ जाएगा। तो यानी कि इरेशनल इरेशनल का हुआ तो ये तो रैशनल आ गया या तो इरेशनल आ गया, तो देखिए इसमें इरेशनल आ गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए देख लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज को, यानी कि कुछ फॉर्मूलेज को, अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर हमारा क्वेश्चन लिखा है रूट ए बी, तो इसको हम रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा रूट टू है, रूट टू इंटू थ्री है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट टू और रूट थ्री भी हम कर सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन अगर ये दिया हुआ है कि ए बी रूट ए बी, तो हम इसको रूट ए एंड रूट बी अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स की हम समझ लेते हैं, रूट टू एंड रूट थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट क्लोज एंड रूट ए माइनस रूट बी हो, और जो आंसर आएगा वो ए माइनस बी में आएगा। की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि रूट फाइव है प्लस रूट टू है, और उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पास रूट फाइव माइनस रूट टू अगर हो जाएगा तो जो हमारा आंसर है ए माइनस बी हो जाएगा। अब ए हमारा देखो रूट फाइव है और जो बी है वो हमारा रूट टू है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइव माइनस जो है टू भी कर सकते हैं। तो फाइव माइनस टू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा थ्री, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ए प्लस रूट बी एंड ए माइनस रूट बी, तो जो हमारा आंसर आएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी के रूप में आएगा। तो देखो क्या है कि हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा है आंसर फाइव प्लस रूट टू, ठीक है, फाइव प्लस रूट टू, ठीक है, फाइव प्लस रूट टू ब्रैकेट क्लोज एंड फाइव माइनस रूट टू, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर करना है यानी कि हम फाइव का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस टू है तो माइनस टू कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, माइनस टू टू तो आ जाएगा हमारा आंसर ट्वेंटी थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रूट ए प्लस बी एंड रूट ए माइनस बी, तो ये हमारा जब आंसर आएगा तो ए माइनस बी स्क्वायर के रूप में आएगा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि रूट फाइव प्लस टू, ठीक है, उसके बाद रूट फाइव माइनस टू, तो जो हमारा आंसर आएगा, देखिए ए क्या है हमारा, ए जो फाइव है तो फाइव कर लेंगे, बी का स्क्वायर करना है माइनस का साइन लगाना है, एंड बी का स्क्वायर करना है तो बी हमारा टू है तो टू का स्क्वायर कर देंगे तो फाइव का फाइव होगा, माइनस फोर कर देंगे तो वन आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट सी प्लस रूट डी एंड रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, अगर ऐसा हमारा क्वेश्चन आ जाता तब क्या करेंगे। देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पास हमारा है रूट टू प्लस रूट थ्री एंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद रूट फाइव प्लस रूट सेवन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे भाई। देखो क्या करना है कि ए सी, यानी कि देखो ए ए है बी ए है, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, ये सी है ये डी है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मतलब ये कि एक ये जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई दोनों में करना है, एक बार इसमें भी करना है एक बार इसमें भी करना है, इसका इसी तरह इसका एक बार करना है फिर एक बार इसका इसमें कर लेना है, ठीक है। चलो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा, सॉरी आंसर क्या अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो रूट टू इंटू फाइव हो जाएगा, ठीक है, रूट टू इंटू फाइव हो जाएगा प्लस रूट टू इंटू सेवन हो जाएगा, उसके बाद प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई फाइव हो जाएगा, उसके बाद प्लस रूट थ्री इंटू सेवन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद हो जाएगा हमारा रूट टेन, क्योंकि देखो टू फाइव इज टेन हो जाएगा तो टेन कर लेंगे, प्लस टू सेवन से फोर्टीन हो जाएगा तो यहाँ पास फोर्टीन कर लेंगे, उसके बाद फाइव थ्री जो फिफ्टीन है तो यहाँ पास फिफ्टीन कर लेंगे, सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन तो प्लस ट्वेंटी वन यहाँ पास कर लेंगे, हो गया, ठीक, बस इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो आएगा ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। तो पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि रूट टू है प्लस रूट थ्री है, ठीक है, इसका क्या होल स्क्वायर है, तो आएगा क्या, पहले देखो हमारा क्या ए है, तो ए हमारा क्या है टू है, प्लस उसके बाद क्या है टू है, उसके बाद क्या है रूट, उसके बाद क्या है टू इंटू थ्री है,
उसके बाद क्या है प्लस थ्री है तो थ्री कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा देखो नंबर नंबर को प्लस कर लेंगे तो टू थ्री फाइव हो जाएगा, प्लस टू थ्री जो सिक्स है तो सिक्स एंड टू रूट सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्या आ जाता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। देखिए इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो नंबर है वो इरेशनल है, आपको रैशनलाइज करना है यानी कि इसको रैशनल नंबर बनाना है, ठीक है। अगर आपके सामने यह क्वेश्चन आ जाए कि वन अपॉन रूट टू तो क्या किसे करोगे आप, तो क्या करते हैं कि जो नीचे वाला नंबर है उसका मल्टीप्लाई दोनों में ही कर देते हैं। देखिए वन अपॉन रूट टू है तो इस रूट टू का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, रूट टू और यहाँ पास रूट टू, ठीक है। तो अगर रूट टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ये रूट टू ही रहेगा, और रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास टू इंटू यहाँ पास क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको अलग कर लेंगे, भाई देखो रूट टू तो रूट टू का रहेगा ही रहेगा, इसमें दोनों अगर सेम है तो एक टू जो है बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा रैशनलाइज हो गया। प्रॉब्लम किस में आती है, प्रॉब्लम आती है ये वाले में जब डबल नंबर्स हो, तो इसमें क्या करना है इस दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे में कर देंगे। बट लेकिन इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी साइन हो जस्ट उसका अपोजिट करना है। इसमें अगर प्लस है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि टू प्लस रूट थ्री है तो आपको क्या कर देना है यहाँ पास टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस साइन यानी कि अपोजिट हमें लगा देना है। उसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा, देखो अगर टू माइनस रूट थ्री को मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो देखो वैल्यू जो हमारी है वो सेम ही रहेगी। उसके बाद अगर इसका मल्टीप्लाई टू माइनस रूट थ्री का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज में। रूट 9.3 अगर आ जाए तो आपको क्या करना है कि आपको एक नंबर लाइन पे शो ऑफ करना है, तो आप कैसे करोगे, तो चलिए देखो शुरू करते हैं कि कैसे आप शो करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ये हमने लाइन एक जो है ड्रॉ किया, ये जो है हमने 9.3 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन जो है ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पास हमने ए पॉइंट बना लिया और यहाँ पास एक बी पॉइंट बना लिया। अब हम क्या करते हैं एक सेंटीमीटर थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, तो ये लो भाई हमारा एक सेंटीमीटर और इंक्रीज हो गया, यहाँ पास से ए पॉइंट हो गया और यहाँ पास हमारा बी पॉइंट हो गया, और ये जो हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इसको हम सी पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें जस्ट इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है आधे से ज़्यादा हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो आधे से ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से इसका मिड पॉइंट आधे से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, एक यहाँ पास आर्क लगा देते हैं और एक आर्क जो है हम नीचे साइड लगा देते हैं, ठीक है। एक आर्क ऊपर लगा देते हैं, एक आर्क नीचे लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पास से रख करके एक आर्क यहाँ पास और एक आर्क हम यहाँ पास। उसके बाद क्या करना है इन दोनों को आपस में मिला लेना है। तो यहाँ से जब हम मिलाएंगे इसे तो ये लो हम जो है यहाँ पास से ऐसे करके इसको मिला लेते हैं, ठीक है। ये लो मिल गया। उसके बाद क्या करना है एक लाइन ऐसे पकड़ना है, इसको क्रॉस करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस कराते हुए अगर यहाँ से रखते हैं ये लो इसको क्रॉस कराते हुए यहाँ पास एक हमारा हाफ सर्किल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पास जो हाफ सर्किल जहाँ पास कट हो रहा है, जहाँ पास ये हाफ सर्किल कट हो रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट को और बढ़ाते हैं और इसी पॉइंट को हम क्या बनाएंगे सी पॉइंट बनाएंगे, सॉरी इसको सी पॉइंट नहीं बनाते हैं, इसी को हम सी पॉइंट बना लेते हैं। उसके बाद क्या करना है हमें एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है इस बी पॉइंट पर। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए एक्चुअल में सीधा ही होता है, तो हमें क्या करना है यहाँ पास से बी से जहाँ पास से इसकी बाउंड्री टच होती है हाफ सर्किल की, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये लो इसको अब हमने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद क्या करना है इसको हमें इतना छोटा कर लेना है कि बी पॉइंट से हमारा इस पॉइंट तक आ जाए, ठीक है। ये हमारा इस पॉइंट तक आ गया। उसके बाद क्या करना है यहाँ पास से रख करके एक हमें आर्क और लगा देना है, और जहाँ पास ये पॉइंट कट करता है इस लाइन को थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर देते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं विदाउट मेजरमेंट से इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पास ये पॉइंट कट हो रहा है उसको हम ई पॉइंट कर लेते हैं, और जहाँ पास ये ऊपर कट हो रहा है वहाँ पास हम डी पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ पास ये मिड पॉइंट है उसको तो हम जी ओ लेट कर लेते हैं ए। उसके बाद जो बी से ई की दूरी है, जो बी से ई की दूरी है वह हमारा है रूट 9.3, ठीक है।
तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, यानी कि हमें इसमें बताना है कि ये रैशनल है कि एक इरेशनल है। देखिए इसमें फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, 2 - √5 है। देखिए ये तो हमें पता है कि अगर रैशनल से अगर हम इरेशनल माइनस करते हैं तो हमेशा जो आंसर आएगा वह इरेशनल ही आएगा। तो यानी कि ये जो 2 - √5 है यह एक इरेशनल है, ठीक है, यह एक इरेशनल है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 + √23 - 23, अब इसमें क्या है इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, √3 + √23 and - इसको ब्रैकेट हटा देते हैं हम, -√23 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल है, एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर क्या है, एक 2√7 है एंड 7√7 है। तो इसमें क्या करेंगे, 2/7 √7, यहाँ पास क्या है √7, तो √7 से √7 कट गया, 2/7 आ गया। तो यानी कि यह क्या है, एक रैशनल है, ठीक है, यह एक रैशनल नंबर है। फोर्थ नंबर क्या है, ऊपर वाला रैशनल है नीचे वाला इरेशनल है। अब इरेशनल का रैशनल में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा, ठीक है, यानी कि रैशनल्स में हम इरेशनल का डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आना वो इरेशनल आएगा, तो यानी कि यह क्या, एक इरेशनल ही है, यानी कि 1/√2 = एक इरेशनल ही है, IRRATION। फिफ्थ नंबर क्या है हमारा, 2π है। अब देखिए इसमें क्या है, 2π एक रैशनल इंटू इरेशनल, क्योंकि पाई एक इरेशनल होता है, तो इसलिए जब 2 × π है तो जो हमारा आंसर आएगा वह इरेशनल ही आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, रैशनल इंटू इरेशनल होता है इरेशनल, इसका मतलब ये भी क्या है, इरेशनल है, ठीक है, तो यह क्या है हमारा, एक इरेशनल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि जितने भी हैं उनको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सम आइडेंटिटीज़ वाला जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 3 + √3 and 2 + √2, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें एक फार्मूला होता है a + b और होता है c + d, ये फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं भी आता तब भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ac + ad and + bc + bd, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो सिंपली आपको इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है और इस √3 का मल्टीप्लाई 2 + √2 में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो अगर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद +√3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा, एंड उसके बाद प्लस अब इस √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा, एंड प्लस जो है रूट यहाँ पास 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ पास √6 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि यहाँ पास हम 3 × 2 भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पास नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे, और उसके बाद क्या है यहाँ पास हम 6 + √3 √2 कर लेते हैं +2√3 + √6, ठीक है, अब इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही। अब क्योंकि देखो कोई भी अब मैच नहीं हो रहा है कि 3√3, अब कुछ मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर है 3 + √3 and 3 - √3, तो देखो ये सिंपली है a + b and a - b की फॉर्म है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या कहता है कि a² - b² की फॉर्म में इसको कर देना है। तो देखो इसमें a क्या है हमारा, 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे, अब b हमारा √3 है तो यहाँ पास √3 है, यानी कि √3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो रूट से स्क्वायर से रूट हमारा कट हो जाता है, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, -3, तो यानी कि 9 में 3 = 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर है √5 + √2 2 है, इसका फार्मूले में अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि √a + √b² होता है a + √ab + b, इसी की फॉर्म में हमें रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो a हमारा क्या है, √5 है, सॉरी तो यहाँ पास 5 ही करेंगे, प्लस यहाँ पास 2, उसके बाद रूट के अंदर ए बी है, यानी कि हमें 2√ कर लेना है और मल्टीप्लाई 5 × 2 कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद क्या कर लेना है, प्लस बी है तो बी हमारा 2 है,
उसके बाद इसको साफ कर लेंगे। देखिए ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो इनको प्लस कर लेंगे, 5 to 7 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 2 का 2 ही, या 5 to 10, तो यहाँ पर रूट जो है 10 हो जाएगा। देखो अभी इतना ही आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ नंबर हमसे क्या कहता है कि √5 - √2 एंड √5 + √2। तो देखो ये जो है a माइनस बी के फॉर्म में है, ये जो है a प्लस बी के फॉर्म में है। तो सिंपली इसका फार्मूला आपको पता है कि ये a² - b² के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a हमारा √5 है, तो हम यहाँ पास √5 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस यहाँ पास √2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो आंसर आ गया यहाँ पास 5 ही आ जाएगा, क्योंकि रूट्स स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, या स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, तो हमारा 5 का 5 या 2 का 2, तो 5 में 2 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो ये यहाँ पास आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे यह कह रहा है कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, यानी कि सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होता है, तो ये तो एक इरेशनल नहीं होना चाहिए, इसे तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कि ये क्या है, हमारा सर्कमफेरेंस है पूरा, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या है हमारा पूरा डायमीटर, तो इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वह होता है सी अपॉन डी, ठीक है, सी अपॉन डी होता है, यानी कि हमें डी का डिवाइड जो है सी पे करना होता है, ठीक है, यानी कि हमें डी का डिवाइड जो है सी पे करना होता है, डी अपॉन सी, यानी कि हमें डी का डिवाइड सी में करना होता है। अब ये जो डी का डिवाइड सी में किया जाता है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें नहीं पता होता है, इसके लिए बहुत बड़ा हमें प्रोसेस करना पड़ता है, और इसका जो आंसर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए ये क्या होता है, इरेशनल होता है। एक्चुअल में क्या है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमें पता नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ेगी तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम चलेगी। इसलिए 22/7 जो है एक हमारा जो है इरेशनल है। कैसे, देखो 22/7 इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिस मीन्स पाई इज इरेशनल। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिया है, शुरुआत में ही हमने इसको समझा दिया है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे, ये वाले एग्जाम में आपके आते भी नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करेंगे, पीछे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, और उसमें से देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है। तो देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनको हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। तो कैसे करना है, देखो 1/√7 है, तो हमने इंट्रोडक्शन वाले में बताया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हम यहाँ पास भी आपको फिर से समझाएंगे और करेंगे। देखो 1/√7 है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले वैसे ही लिख लेना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है √7 का ही दोनों में, ठीक है, √7 का। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 का दोनों में, तो √7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो यहाँ पास √7 ही आएगा, और यहाँ पास √7 है, तो यहाँ पास ओनली 7 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला है आपका 1/√7 - √6 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम साइन चेंज करके इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि √7 - √6 इंटू यहाँ पास हमें करना है √7 + √6, और यहाँ पास करना है √7 + √6। अब यहाँ पास क्या होगा, देखो √7 + √6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये इतना ही आएगा, √7 + √6 ही आएगा, और नीचे साइड क्या आ जाएगा, देखो √7 है, ये √7 है, तो यहाँ पास ओनली 7 आ जाएगा। यहाँ पास माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होगा, और √6 √6 है, तो यहाँ पास 6 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा, तो 1 है, तो हम जरूरी नहीं है कि हम 1 लिखें, यहाँ पास 1 नहीं लिखते हैं, और जो हमारा आंसर आएगा तो √7 + √6 आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर है 1/√5 + √2 है, तो यहाँ पास 1/√5 पहले तो हमें ऐसे ही कर लेना है, सॉरी 5 है, तो 1/√5 + √2, उसके बाद हमें क्या करना है,
साइन चेंज करने के बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन में रूट फाइव माइनस रूट टू। उसके बाद क्या करना है, देखो इसका मल्टीप्लाई अगर वन में करेंगे तो रूट फाइव माइनस रूट टू ही आना है, और यहाँ पास रूट फाइव है, ये भी रूट फाइव है, तो यहाँ पास फाइव आ जाएगा, और यहाँ पास रूट टू है, यहाँ पास रूट टू है, प्लस माइनस माइनस होता है तो टू का टू ही आ जाएगा, और यहाँ पास रूट फाइव माइनस रूट टू एंड अपान में हमारा फाइव टू थ्री, तो यहाँ पास थ्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वन अपान रूट सेवन माइनस टू है, तो हमें यहाँ पास क्या करना है, साइन चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि रूट सेवन माइनस टू यहाँ पास मल्टीप्लाई कर लेना है रूट सेवन प्लस टू रूट सेवन प्लस टू। तो यहाँ पास रूट सेवन प्लस टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो रूट सेवन प्लस टू अपॉन में ये रूट सेवन है एंड ये रूट सेवन है, तो सेवन का सेवन ही हो जाएगा, तो सेवन फोर चले जाएंगे तो थ्री बचेगा, और यहाँ पास रूट सेवन प्लस टू है तो प्लस टू इतना ही रहेगा आंसर। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल को जरूर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।